everyone, this is dietitian Renu Varman. I am back with another video. Hope you all doing great. आप सब ने कहीं ना कहीं अपने आसपास अपने रिलेशंस में कोई भी वुमेन जो 50 क्रॉस है तो उनको देखा होगा कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा झुक के चलना शुरू हो गए या उनके नी पे इनकी कंप्लेंट्स करते रहते हैं वो. तो ये सब रीज़न क्या है? इस डिज़ीज़ को हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं. ऑस्टियोपोरोसिस इज़ अ कंडीशन जिसमें कि हमारी जो बोन्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाती है और वीक होके एक सर्टन स्टेज के ऊपर पहुंच जाती है जहां पर कि वो हमारे जो है बोन्स का जो है वो ब्रेकडाउन कहीं ना कहीं फास्टली होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण वो नी फ्रैक्चर या हिप फ्रैक्चर या रिस्ट का फ्रैक्चर या हमारी स्पाइन का फ्रैक्चर, ये कुछ एक आम है जो ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स को देखनी पड़ती है. और अगर सर्वे की बात करूँ तो जो सर्वे हुआ है इंडिया लेवल के ऊपर, 50% ऑफ द जो वुमेन है वो पाई गई हैं कि वो ऑस्टियोपोरोसिस की कहीं ना कहीं कंडीशन से है. नॉट एग्जैक्टली ऑस्टियोपोरोसिस, बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस के कितने ही केसेस हैं जो शायद सर्वे के अंदर आ ही नहीं सके बिकॉज वो डायग्नोसिस ही नहीं कराते हैं अपने. बिकॉज इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं क्योंकि तभी एंड स्टेज पे ही जाके उन प्रॉब्लम्स का पता चलता है कि अब जो है वो हड्डियाँ बिल्कुल टूटने की तदार पर पहुँच गई हैं. बिकॉज सिंस चाइल्डहुड हमारी जो बोन्स की है वो रिप्लेसमेंट होती रहती है, पुरानी हड्डियाँ टूट के नई हड्डियाँ उनको रिप्लेस करती रहती हैं, हड्डियों के जो टिश्यूज है वो नए बनते रहते हैं बोन्स के. बट जैसे ही हम 20, 30 या 40 क्रॉस करके पहुँचते हैं तो हमारा जो है बोन मास डेंसिटी, बेसिकली बोन मास डेंसिटी इज़ अ टेस्ट, जो वो एक टेस्ट है जो कि आपका कंपेरिजन करता है कि आपको फ्यूचर में ऑस्टियोपोरोसिस होने का कितना खतरा रहता है. तो इंडियंस में नॉर्मली अगर मैं देखा जाऊँ या मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से भी देखूँ या अदरवाइज भी सोसाइटी में भी अगर हम बात करें तो बहुत ही कम परसेंटेज के लोग हैं जिन्होंने बोन मास डेंसिटी जो टेस्ट है वो करवाया हुआ. इस टेस्ट से ये फ़ायदा हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं वो अटेंटिव हो सकते हैं, अलर्ट हो सकते हैं अपने फूड इनटेक को लेकर या अपना अगर उनको सप्लीमेंट लेना है तो वो लेकर, सो दैट कि आने वाले टाइम में जब उनका मीनोपॉज शुरू होगा, बिकॉज लेडीज़ में जो है मीनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन लेवल्स जो है वो डाउन में आ जाता है, लो हो जाता है, तो उसकी वजह से बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं रहती है, तो दैट इज़ द टाइम जब उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा रहता है. तो इसके लिए अगर हम अर्ली एज से पहले से ही प्रेपरेशन शुरू कर लेंगे तो इट्स लाइक अ बैंक बैलेंस, कि जब हम यंग डेज में होते हैं वी कैन हम ज़्यादा कमा सकते हैं, हम ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं और अपना बैंक बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं. और जब हम बुढ़ापे की तरफ चल जाते हैं, जब हमारे शरीर में इतनी मेहनत नहीं रहती काम करने की, तो तब हम वो जो हमने सेविंग करके रखी है उसको यूज़ कर सकते हैं. सिमिलरली आर बोन्स, अगर हमारी बोन्स को हमने उसी टाइम के ऊपर स्ट्रांग कर लिया है 20, 30, 40 साल की उम्र तक, तो हम आगे जाके उस अपनी जो बोन्स की डेंसिटी है स्ट्रेंथ है उसको आगे जाके यूज़ कर सकते हैं. अब बेसिकली देखा जाए कि इसके रीजंस क्या रहते हैं कि किन लोगों को जो है ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा रहता है. ऑस्टियोपोरोसिस नॉर्मली तो सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर है दैट इज़ द डाइट, दैट इज़ लैकिंग इन कैल्शियम विटामिन डी. जिनकी भी डाइट में इन चीज़ों की कमी रहती है उनको रहता है खतरा ऑस्टियोपोरोसिस होने का. या जिनका अर्ली मीनोपॉज शुरू हो गया, मतलब कि जिनको अभी अगर अराउंड अबाउट 50 के करीब अगर राइट एज है मीनोपॉज की, और अगर किसी को 35 प्लस या 40s में ही शुरू हो जाता है या उससे भी काफ़ी अर्ली शुरू हो जाता है, तो उनको काफ़ी चांसेस रहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के. उसके अलावा जिनके पीरियड से पहले ही पीरियड मतलब मीनोपॉज के आने से पहले, पीरियड्स ख़त्म होने से पहले उनकी ओवरीज का ऑपरेशन हो गया, तो उनको चांसेस रहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के. इसके अलावा जो है मेल्स को भी इसके चांसेस है. 40% ऑफ द मेल्स आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस. मेल्स जिनकी डाइट ऑफकोर्स नहीं है कम्प्लीट दिस विद दिस कैल्शियम एंड वाइटामिन डी एंड ऑल अदर नेसेसरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड ऑल द वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है. उसके अलावा जिनको थायराइड की डिजीज़ है जिन मेल्स को, उनमें चांसेस रहते हैं. उसके अलावा जिनका अनहेल्दी लाइफस्टाइल रहा है, एक्सरसाइज नहीं रही है जिनकी डाइट में, हाँ लाइफ स्टाइल में, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये चांसेस है. तो ये कुछ एक रीजंस है जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा रहता है. बट नीड नॉट टू वरी एट ऑल. आज इस वीडियो में हम सिर्फ नेगेटिव बातें नहीं करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे कि हम अपनी हड्डियों को कैसे स्ट्रांग और मजबूत बना सकते हैं. और यंग जनरेशन है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द वीडियो ओनली टू वॉच कि ओल्ड एज जनरेशन के लोग ही देखिए जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, बट मैं चाहती हूँ कि यंगर जनरेशन, हमारी जो इंडिया की यंगर जनरेशन है जो कि 20, 22 या 15 साल से भी ऊपर है,
या 15 साल की भी हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देखें, सो दैट कि आप समझें कि हमारी डाइट में अभी से हम जो चीज़ें खा रहे हैं वो फ्यूचर में जाके हमें कितना बेनिफिट दे रही हैं। बिकॉज अगर मैं कैल्शियम डोजेस की बात करूँ तो 8 से 9 साल तक के बच्चों के लिए 600 mg, और उसके अलावा 10 से 17 साल के बच्चों के लिए 800 mg, और सिमिलरली जो रेगुलर अडल्ट्स हैं उनके लिए भी 600 to 800 mg की ज़रूरत रहती है कैल्शियम की, और प्रेगनेंस और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए 1000 to 1200 mg की ज़रूरत रहती है। सिमिलरली मेनोपॉज की जो औरतें हैं उनके लिए भी 1200 mg की ज़रूरत होती है। बट अगेन कैल्शियम ही ज़रूरत नहीं है ओनली कि जिससे कि हमारी हड्डियाँ जो है वो मजबूत रह सके। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए दूसरी और जो चीज़ें चाहिए वो है, दैट इज़ विटामिन डी। विटामिन डी जो है 800 to 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स में उसकी डोजेज होती है, वो डेली हमें डाइट में लेनी चाहिए। अब विटामिन डी के बहुत कम रिसोर्सेज रहते हैं डाइट में मिलने के लिए, तो हमें या तो सन एक्सपोजर लें डेली 15 से 20 मिनट का, जो मैं यूजुअली बोलती रहती हूँ अपनी वीडियोस के अंदर कि सन एक्सपोजर लेना इज़ वेरी मस्ट, तो नहीं तो आप उसके सप्लीमेंट्स ले सकती हैं। बट ऑफकोर्स कैल्शियम यू नीड टू टेक फ्रॉम योर डाइटरी सोर्सेज, बहुत से अच्छे सोर्सेज हैं। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो पनीर है, दही है, दूध है, इन सब के अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में कैल्शियम होता है। और इफ़ यू आर वीगन और इफ़ यू आर नॉट टेकिंग डेयरी प्रोडक्ट्स, तो आप एलमंड्स हैं, सोया प्रोडक्ट्स हैं, सम एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, और अगर सीरियल्स की बात की जाए तो रागी इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, तो रागी को इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट के अंदर। और जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जैसे कि ब्रोकली है, दिस फेनुग्रिक लीव्स हैं, कॉलीफ्लावर हैं, ये सब बहुत अच्छी अमाउंट में इनके अंदर कैल्शियम होता है। सीड्स की बात करी जाए तो सेसमे सीड हमारे, सफ़ेद और काले तिल, बहुत अच्छी अमाउंट में इनके अंदर कैल्शियम रहता है, तो वो अपनी डाइट में लीजिए। एलमंड इज़ अगेन ग्रेट सोर्स ऑफ कैल्शियम। फ्रूट्स में देखा जाए तो ऑरेंजेस आर ग्रेट सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके अंदर हमें अच्छी अमाउंट में कैल्शियम मिल जाता है, और जितनी हमारी डेली रिक्वायरमेंट है वो अच्छी तरीके से इनके अंदर से पूरी हो सकती हैं। तो जिनको लग रहा है कि हमारी इन फूड से हमें अगर अच्छे अमाउंट में कैल्शियम मिल रहा है तो ट्राई टू ऐड फूड, अदरवाइज यू कैन टेक सप्लीमेंट, ठीक है। और सिमिलरली विटामिन डी, विटामिन डी के अलावा जो तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट मिनरल है दैट इज़ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ मिल के बोन्स को जो है वो स्ट्रांग बनाता है, और विटामिन डी उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है। तो मैग्नीशियम अगर हम 500 mg कैल्शियम लेते हैं तो 250 mg हमें मैग्नीशियम लेना बहुत ज़रूरी है अच्छी अपनी बोन्स की स्ट्रक्चर के लिए। तो मैग्नीशियम के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, ऑल नट्स एंड सीड्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, कैश्यूज आर रिच इन मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम भी डाइट्री सोर्सेज से लेना ना भूलें। इसके अलावा बोरोन भी है, बोरोन भी एक अनदर मिनरल है जो कि साथ में कंबाइंड होके हड्डियों को स्ट्रांग करने के लिए, उसके अंदर कैल्शियम को बाइंड करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो बोरोन भी हमारे एप्पल्स हैं, ग्रेप्स हैं, स्पीचीज हैं, इसके अंदर काफ़ी अच्छे अमाउंट में मिल जाता है, तो उन वो भी हमें डेली अमाउंट में, ये मतलब ये है कि जितने भी नेचुरल ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, नट्स एंड सीड्स हैं, इन सारी चीज़ों से हमें कैल्शियम मैग्नीशियम की अच्छी अमाउंट या कुछ और जो मिनरल्स हैं वो मिल जाते हैं। अब अगर दूसरी बात करी जाए तो वो है प्रोटीन। प्रोटीन का भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बोन डेंसिटी के लिए जितना कि कैल्शियम विटामिन डी का है। अमाउंट ऑफ प्रोटीन का लेना इज़ सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और 0.8 to 1 gram ऑफ आइडियल बॉडी वेट की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सबसे रहती है। तो जो कि कंप्लीट प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं, दाल और चावल का कॉम्बिनेशन इज़ बेस्ट कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज, एग्स ले सकते हैं, और भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं या वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, तो ट्राई टू इंक्लूड द गुड अमाउंट ऑफ और हेल्दी अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटू योर डाइट, सो दैट की स्ट्रॉन्ग बोन्स जो है वो डिवेलप रह सके। उसके अलावा विटामिन के जो है उसको हमें मिस नहीं करना है, बिकॉज विटामिन के इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस कैल्शियम। तो विटामिन के हमारे इंडिया में तो थोड़े से कम रिसोर्सेज रहते हैं जिनके अंदर विटामिन के का रहता है, और एक केल है या और थोड़ी लीफी वेजिटेबल्स है उसके अंदर मिलता है कुछ अमाउंट में, हमारे जो पिकल्स होते हैं होममेड पिकल्स हैं उसके अंदर भी विटामिन के रहता है। तो विटामिन के का भी इनटेक करना इज़ रियली रिक्वायर्ड फॉर दी एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी फॉर दी स्ट्रॉन्गर बोन्स। और अगर अब मैं बात करूँ एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज के किए बिना हम हड्डियों को कभी भी मजबूत नहीं रख सकते, तो एक्सरसाइज करना इज़
मस्ट फॉर एवरी वन फॉर एवरी एज. और अगर हड्डियाँ मजबूत करनी है तो वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज. अगर मैं वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज की बात करूँ तो उसके अंदर जैसे वॉकिंग है, जॉगिंग है, या इसके अंदर आप रनिंग कर सकते हैं, या एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं, ये सारी वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज के अंदर आती हैं. और रेजिस्टेंस, वेट रेजिस्टेंस की एक्सरसाइजेज की बात करूँ, वो बोन्स और मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए वेट रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज का इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके अंदर आप वेट्स को लिफ्ट कर सकते हैं या इलास्टिक बैंड्स जो आते हैं उनको यूज करके आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. सो द फंडा इज यू नीड टू डू अ वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस. यू नीड टू फिक्स योर डेज, ऑल्टरनेट डेज फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस. तो वेट ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है, खास करके जब आप मेनोपॉज के पास पहुँचे हो, ऑस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंट करना चाहते हो, तो उस दौरान के लिए. आई होप कि मैं कुछ हेल्प कर पाई होंगी आपकी हड्डियों को स्ट्रांग करने के लिए, कुछ नॉलेज देने में. इसके अलावा एक ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल, अवॉइड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग तो है ही इसका पार्ट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल का. टाइमली खाना खाना और अपनी टाइमली सोना और अपनी डाइट में सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों का आप इनटेक करते रहिए और खुश रहिए और स्वस्थ रहिए. थैंक यू सो मच.